जिला स्तरीय टैलेंट हंट प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को मिले लैपटॉप और एंड्रॉइड फोन। जिले के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने किया पुरस्कृत। बड़ी संख्या में युवाओं ने ज्वाइन की कांग्रेस। चार दिवसीय छिंदवाड़ा प्रवास के बाद सांसद कमलनाथ दिल्ली रवाना। गौ सेवकों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी। बीएमएस सहित अन्य संगठनों ने भी किया समर्थन। और दशहरा मैदान में अखिल भारतीय ओपन कबड्डी प्रतियोगिता रोचक दौर में। स्वामी विवेकानंद जयंती पर राष्ट्रीय स्तर की टीमों में शुरू हुई भिड़ंत। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिनभर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। जिला स्तरीय टैलेंट हंट प्रतियोगिता का सम्मान समारोह आज रानीकोठी में जिले के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। जिला स्तर पर आयोजित इस प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को जिले के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने लैपटॉप तथा एंड्रॉइड फोन प्रदान किए। इस मौके पर बच्चों के परिजनों का भी सम्मान किया गया। सभी छात्र छात्राएं उनको देखना चाहते हैं, उनको मिलना चाहते हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जैसा कि मेरा माननीय कमलनाथ जी से निवेदन है कि हमारे इस कार्यक्रम में जितने संस्था संचालकों के लिए मुलाकात कर उनका सम्मान करने का कष्ट करें। माननीय और ये जोरदार तालियों से आदरणीय कमलनाथ जी का स्वागत होना चाहिए। जोरदार तालियां हो जाए और इसके बाद एनसीआई के साथियों से निवेदन है। आदरणीय जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, यही शुभकामनाएं हैं। ऐसे कंपटीशन आदरणीय कमलनाथ कंपटीशन की तय उसमें फिनिशिंग टच करते हुए प्रदेश और देश के कंपटीशन लेवल पर वो भाग ले सके। जिस ढंग से ये कार्यक्रम आयोजित हुए थे, आदरणीय कमलनाथ जी को मैं बताना चाहूंगा कि जिला एनएसयूआई ने यह तय किया था। जवाब जिन्होंने दिया उन्हें यहाँ स्मार्टफोन इनाम के रूप में आदरणीय कमलनाथ जी के हाथों से दिलवाया जाएगा। आप सब भाग्यशाली हैं के साथ, शुभकामनाओं के साथ कि आप सब हमेशा आदरणीय कमलनाथ जी की भावनाओं के अनुरूप कॉम्पिटिशन में आपकी भूमिका होना चाहिए। और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका शिक्षण संस्थान, आपका परिवार और आपका ये जिला कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ेगा। निरंतर प्रयास करें, कोशिश करें, प्रशिक्षण प्राप्त करें और कॉम्पिटिशन में बैठे। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। सबकी तरफ से सांग आपको पूरे हमारे छात्र छात्राओं की तरफ से गिनती करना चाहते हैं। पूरी कांग्रेस, पूरी एनसीआई, सभी हम लोग मिलकर के आपके लिए सामग्री करना चाहते हैं। जिस जिले की मध्य प्रदेश में अपनी पहचान और नहीं है, रेल की बात नहीं है, ये शिक्षा सुविधा की बात नहीं है, पर सबसे बड़ा अंतर सोच का अंतर है। हमारे छिंदवाड़ा के लोग, छिंदवाड़ा के बच्चे बच्चियां का सोच और दूसरे जिलों के तुलना में सोच पे बहुत बड़ा अंतर है। आज छिंदवाड़ा का अपना ही दृष्टिकोण है, अपना ही नजरिया है। और यह आते हुए मैं सोच रहा था
हेलीकॉप्टर से देख रहा था कि कैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़े, पर आगे का रास्ता भी बहुत लंबा। आप ये सामना नारों से नहीं हो सकता। मैंने कभी नहीं कहा था कि यहां बड़े बड़े सड़कें बनेंगी या हाईवे बनेगा, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां उत्तर से लेकर दक्षिण या पूर्व से लेकर पश्चिम तक हाईवे हुए, मैंने कभी नहीं कहा था। मैंने तो शिलान्यास भी नहीं किया था, क्योंकि मैंने कहा था जब ये बन जाएगा सब देख लेंगे। मैंने कभी नहीं कहा था कि छिंदवाड़ा जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में, शायद पूरे देश में एक ऐसा जिला होगा जो सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़कें होंगी। मैंने विश्वास रखा आप पर कि आप सच्चाई पहचानेंगे, आप सच्चाई हमेशा पहचान लेंगे। ये नारों की राजनीति में मैं कभी नहीं फिरा। तो आज मैं ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहना चाहता हूं, खास करके बच्चों को कहना चाहता हूं, नौजवानों को कहना चाहता हूं कि आप सच्चाई पहचानिए, आप सच्चाई पहचानिए, सच्चाई अपनाइए, सच्चाई दूसरों को समझाइए, सच्चाई समझिए। सच्चाई की नारे की राजनीति कहां से शुरू होती है? ये नारों की राजनीति बहुत आसान है। हम कह दें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आज कोई है यहां मेक अप इंडिया, डिजिटल इंडिया कोई है यहां? ये सब नारों की राजनीति। यहां हम कह दें और आश्वासन दे दें कि किसान कृषि क्षेत्र मजबूत बनेगा, हर किसान को लागत पर 50% मिलेगा, ये कहना तो बहुत आसान है। तो मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपको ये सच्चाई पहचान नहीं है, ये नारों की सच्चाई, ये आश्वासन की सच्चाई, ये गुमराह करने की सच्चाई, ये बहकाने की सच्चाई, और ये सच्चाई पहचानने से ही यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये टैलेंट हंट ताकि बच्चों को प्रेरणा मिले, बच्चे उत्साहित हुए इसमें भाग लेने में, एक कंपटीशन हो, यही हमारा भविष्य सफलता की ओर ले जाएगा। मैं तो आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा ये ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, आप हमेशा सच्चाई का साथ देंगे। सच्चाई का साथ देना बहुत आवश्यक है। सब लोग कहेंगे कि ये है वो है, ये आश्वासन वो आश्वासन, उससे आप परिचित हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये ऐसा अवसर नहीं है। ये अवसर है केवल आपको एक संदेश देने का, और ये संदेश मैं देना चाहता हूं कि आप सच्चाई का साथ मत छोड़िएगा, आप मेरा साथ मत दीजिए पर सच्चाई का साथ जरूर देते रहिए, और आप सच्चाई का साथ देंगे तो हमारे छिंदवाड़ा का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुरस्कार वितरण रोहित के लिए, शालिनी बंसोर द्वितीय पुरस्कार, जय हिंद राउत। राहित भाई, नई प्रतियोगिता है जिससे कि छात्राओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और अपनी प्रतिभा को साबित करने का एक सुनहरा अवसर है। इसके माध्यम से एक जन प्रतिभा को अपने 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 क्षेत्र में दिखानेगा कि वह किस टैलेंट को अपने साथ रखते हैं। और मैं हमारे जय के लाले नेता माननीय सम्माननीय श्री कमलनाथ जी को पैदल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माननीय कमलनाथ जी के हस्ते लैपटॉप का पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, जोरदार ताली अक्षय बंसोड़ के लिए। अरे बंसोड़ जी सामने, अरे बेटा हम लोग इधर आते हुए जोरदार तालियां शालिनी बंसोड़ के लिए स्थान प्राप्त किया है, जोरदार तालियां बजती जाए। लोकसभा जी किसी राजनीतिक पार्टी के विधान नहीं। धनराज परमा से और अगले क्रम में मैं छिंदवाड़ा विधायक है, उन्हें लैपटॉप प्रदान करें। कृपया जल्दी से मंच पे पहुंचे और माननीय कमलनाथ जी से मोबाइल फोन प्राप्त करते हुए मोबाइल आया ना।
जिले में चार दिवसीय निर्धारित कार्यक्रमों, ग्रामीण क्षेत्रों में किसान युवाओं के बीच जनसभाओं तथा नगर एवं कस्बों में सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत करने के पश्चात आज दोपहर बाद जिले के सांसद कमलनाथ दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली रवाना होने से पूर्व जिले के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ के समक्ष बड़ी संख्या में युवाओं ने कांग्रेस ज्वाइन की। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में आज शाखा प्रबंधकों की बैठक संपन्न हुई। महाप्रबंधक के सोनी एवं सहायक प्रबंधक एके जैन ने ऋण वसूली, ऋण वितरण, अमानत वृद्धि एवं अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए शाखा प्रबंधकों से चर्चा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बचत बैंक वालों डीएमआरओ की दिक्कत है नहीं है10 फरवरी को नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर तैयारियों के संबंध में आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठक संपन्न हुई। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एलडी बोरासी, बार काउंसिल अध्यक्ष राजेंद्र सी बैस, न्यायाधीशगण तथा अधिवक्ता सदस्य मौजूद थे। दस फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत है। इस लोक अदालत को सफल बनाने हेतु आज अभिभाषक संघ में मीटिंग रखी गई थी। आगे और भी ऐसी मीटिंग प्रस्तावित हैं और हमें आशा है अधिक से अधिक हम प्रकरणों का निराकरण करने में सफल होंगे। मध्य प्रदेश गौ सेवक संघ अपनी 2 सूत्री लंबित मांगों को लेकर आंदोलन पर है। गौ सेवकों के आंदोलन को अब अन्य राजनीतिक एवं कर्मचारी संगठनों का भी समर्थन हासिल हो चुका है। सेवाएं दे रहे हैं, निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे गौ सेवकों को संगठित कर
अपनी एकता का परिचय दे, जिससे कि सरकार के ऊपर एक दबाव बन सके। उन्हें जानकारी है कि संघर्ष में कितनी ताकत होती है और जो भी आज हमें संघर्ष की लौ हर कदम जलाए रखिए, संघर्ष की लौ हर कदम जलाए रखिए और निरंतर बनाए रखिए, जरूर एक दिन आपको अपनी सफलता हासिल होगी। गाय की बीमारी ठीक करने वाला अगर वो भूखा रहेगा तो गाय की कैसी सेवा होगी। हम आप लोगों से अपील करते हैं इस मंच के माध्यम से प्रदेश और केंद्र के सरकार से गौ सेवक की उचित मांग को, जायज मांग को आप तत्काल पूरा करें, अन्यथा गौ सेवक और यहाँ का हमारा संगठन, हमारे काका जो है जो कर्मचारी जो है रिटायर कर्मचारी का संगठन है, ये भी इनके साथ में है, हम भी आपके साथ में है और तमाम जो समदुखी लोग हैं, क्योंकि समस्या कमजोरों की होती है, पैसे वालों की नहीं। जो पैसे वाला कोई समस्या नहीं है, हम कमजोर लोग हैं, अगर कमजोर है इसलिए तो हम गाय इंजेक्शन गोली ये सब हम सारी सेवा करने जाते हैं। अगर हम मजबूत होते तो हमें ठंडी में, पानी में, बारिश में वहाँ पे जो है उनकी सेवा करने जाते हैं। हम कमजोर हो गए और इसलिए कमजोरों के पेट में दाना हो तभी गाय की सेवा होगी, ऐसी बात रखता हूँ। दोस्तों हमने कहा था कि 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय छिंदवाड़ा पधार रहे हैं, 10 को आ रहे थे, 10 कैंसिल हुआ, 12 को आ रहा है। मैंने आप लोग से निवेदन किया कि दोस्तों आप ये मत सोचो कि यहां जितने भी संगठन बैठे ये लोग आपकी ताकत को देखते हैं और आपकी ताकत में उनकी भी ताकत है। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया छिंदवाड़ा शाखा द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के नामकरण सहित अपनी विभिन्न मांग और मुद्दों पर चर्चा की गई। आज देश में जनता की आवाज को सुना जाता है कि बुद्ध महासभा समता सैनिक दल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा पंजीकृत सामाजिक संगठन है। इस संगठन के माध्यम से विगत 2 वर्षों से जब से मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई तब से हमारी शासन प्रशासन से ये मांग रही है कि निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से नामांतरित किया जाना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर जी संविधान निर्माता होने के साथ साथ भारतीय बौद्ध महासभा और समता सैनिक दल के भी निर्माता है, इसलिए हम लोगों ने इस मांग को हर बार उठाया है और प्रमुख रूप से हमारे प्रदेश के जो SOC मुख्यमंत्री महोदय है उनसे हमको बहुत अधिक उम्मीद है कि वह हमारी मांग को बहुत ही सरलता से स्वीकार करेंगे और प्रभारी मंत्री जी द्वारा जो घोषणा किया गया था उस घोषणा के अनुरूप निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम देने का कार्य करेंगे, ऐसी उनसे हमें उम्मीद है। इस संबंध में हम भारतीय बौद्ध महासभा समता सैनिक दल के जो पदाधिकारी है वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपेंगे। इसी दिशा में विगत कई दिनों से कृषि विश्वविद्यालय की मांग भी हमारे जिले की लंबित मांग है और हमारे जिले के नागरिक शिक्षित बेरोजगार और तमाम जनता जनार्दन ये मांग करते रहे हैं कि कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण छिंदवाड़ा जिले में होना चाहिए। जिला भाजपा कार्यालय में आज नगर मंडल की बैठक भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रारंभ किए गए अभियान एवं अन्य ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा कर कार्यक्रम व्यवस्थाओं के निर्णय लिए गए। भैया जी द्वारा जो 23 तारीख को पातालकोट के भूमि का संरक्षण, वनों का संरक्षण और मानव संरक्षण को लेकर जो एक बहुत बड़ी पहल की जा रही है, हम लोग उसका अंग बने, हम लोग उसका हिस्सा बने और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर उस अभियान को पूर्ण करने का काम करें, यही मेरा उद्देश्य था और यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। सौरभ जी बताओ फिर कैसा क्या, अब शर्मा जी भाई साहब ने तो पूरा सजेट समझ रख दिया है, अब यही है कि देवेंद्र जी बैठे हैं, बस सब बैठे हैं तो एक अब बैठने का है तो वो तो समुद्र की तरफ हाथी बहुत बड़ा कार्यक्रम है, सब कुछ बोल दिया, शर्मा जी सब्जेक्ट बचा नहीं कुछ, वैसा यही है कि पातालकोट का कार्यक्रम पूरा आपने बोल दिया।
23 जनवरी को जो कार्यक्रम होने वाला है दिन मंगलवार, भैया जी सरकार का कहना है चलो प्रकृति की ओर, चलो संस्कृति की ओर। आज हम 21वीं सदी में हम जो स्पीड से चल रहे हैं, हम गति से चल रहे हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन हम ढेर सारी चीजें कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। जैसे प्रकृति को लेके बार बार बोला जाता है, आज स्वच्छता के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी सरकार लगी हुई है आज स्वच्छता, हम पढ़े लिखे लोगों को बताने के लिए कि भैया स्वच्छता क्या है, प्रकृति क्या है, पौधे लगाओ, बारिश नहीं हो रही, आज बारिश नहीं हो रही है, मौसम जो गड़बड़ हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, ढेर सारी चीजें हो रही हैं। ये सरकार का काम थोड़ा ना है, ये हमारा काम है आज, लेकिन सरकार उस चीज को हमको बता रही है भैया स्वच्छता करिए, क्यों, क्योंकि हम स्वच्छता करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तामिया शासकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और महाविद्यालय भवन की जर्जर स्थिति सहित अन्य समस्याओं से अवगत कराते हुए अपनी मांगे रखी। छात्राएं यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं क्योंकि हमारे जो कॉलेज की स्थिति है बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त है, छत टपक रही है, कई वर्षों से पुताई नहीं हुई है, हमारी जो छात्र लिपिक है वो बैठी हुई थी, 2 मिनट का अगर फासला नहीं होता तो वो शायद वो हमारे बीच में होती, वो बहुत मुश्किल था क्योंकि छत उनके ऊपर ही गिर चुकी थी। तो हमारे कॉलेज की जो स्थिति है बहुत ज्यादा दयनीय है, जिसके लिए और सड़क अलग नहीं है, वहाँ पर अनेक प्रकार की समस्याएं, शासकीय महाविद्यालय तामिया विकास खंड स्तर से जो एक ही कॉलेज है। बेटा आप क्या चाहती हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि हमारे शासकीय महाविद्यालय जितना क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया जाए, क्योंकि उससे कभी कभी बच्चों की जान पर भी बात आ सकती है, क्योंकि छतें गिर रही है जहाँ तहाँ से, और सड़क अलग नहीं है, आते जाते हैं तो आने जाने में समस्या होती है, कई बार बच्चे गाड़ियों से स्लिप होकर गिर गए हैं। इस संबंध में आपने कमलनाथ जी को ज्ञापन दिया है, उन्होंने क्या कहा? नहीं अभी नहीं दिया। नहीं उनके द्वारा हमने किसी प्रकार का उनको ज्ञापन नहीं दिया, हम प्रशासन से बात करना चाहते हैं, कमलनाथ जी से तो सिर्फ हम लोग मिलने आए थे यूं ही, हम उनको किसी प्रकार का कोई ज्ञापन देने नहीं आए थे। और हमारे यहाँ पेयजल व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ बोर नहीं लगा हुआ है, हैंडपंप नहीं है, हमारे कॉलेज में पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, और प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है हमारे कॉलेज की तरफ। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने आज अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सहित संबंधित जिम्मेदार ओहदेदारों के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। इस धरना प्रदर्शन में पूरे प्रदेश में प्रदेश में कार्यरत मध्यान्ह भोजन की रसोईया, मध्यान्ह भोजन की रसोईया के क्रम में प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और प्रदेश का भोजन बंधु, ये 5वां राउंड हमारा, ये 4th चरण है 5वें राउंड में, और पूरे तहसील ब्लॉकों से इकट्ठा होकर आज माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में माननीय सांसद महोदय को ज्ञापन सौंपना है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का। अगर सरकार अभी भी नहीं चेतती है तो हमारे सामने अभी 2018 का साल है, और उस 2018 के वर्ष में हमने जो 15 साल में सरकार का सहयोग किया, वो सहयोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कोटवार भाई रसोईया नहीं करेगी, इनके विरोध में जाके मतदान करेगी और दूसरी सरकार का अपेक्षा करेगी, ताकि वो हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए कुछ सोचे, अच्छा पेमेंट दे, और हम कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, हम सरकार से सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को इस महंगाई के दौर में 10,000 रुपये वेतनमान है नियमित करें, उनकी ड्यूटी, उनकी नौकरी की शुरुआत की हो, और क्या मध्यान्ह भोजन को कम से कम 5,000 रुपये मिले, कोटवार भाइयों को तो नियमित कर्मचारी घोषित करने के लिए, उनको मालिकाना हक दिलाने के लिए हम 10 साल से 15 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी आँख मूंद के कुम करणी नींद सोई है, अब हम 18 के वर्ष में कुम करणी नींद से जगाकर, और जब कुंभकर्ण जगता है तो वो खत्म ही होता है, बचता नहीं है, ये स्थिति में हम सरकार को चेतावनी देना।
इधर दशहरा मैदान में जन जागरण मंच द्वारा आयोजित अखिल भारतीय ओपन कबड्डी प्रतियोगिता के मैच रोमांचक दौर में पहुंच चुके हैं। 10 जनवरी की शाम जिला स्तरीय फाइनल बेडी और कॉरपोरेट क्लब के बीच खेला गया। रोमांचक मैच में बेडी की टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए जिले की चैंपियन टीम का खिताब अपने नाम किया। और बेटी का यह स्कोर है बहुत बड़ा बहुत सुंदर रेड करते हुए वहां पर बेटी के रेडर्स और अब रेड करते हुए वहां पर बेटी के रेडर्स काफी लंबे कद के यहाँ रेडर्स वहां पे अच्छी रेड तीन चौकन और तीन चौकन ने वहां पर छिंदवाड़ा के डिफेंडर पूरी टीम अच्छी तो करनी किसी तरह से आसान तरीके से पॉइंट वहां देना नहीं चाहता। कॉर्पोरेशन और साथ बेर्डी 11-7 बहुत अच्छी कमेंट्री करते हुए आ रहे हो। अच्छा इस समय पर इस साल का भी कार्यक्रम है, चलिए भगवान उनको सफल करे हर काम में। वही निकाल रहा पॉइंट और यहाँ पर शरीर है आत्मा उधर है, मंच सही इस मैदान में दुधिया रोशनी में कबड्डी का आनंद ले रहे हैं। बटन दबाते हैं पूरे कैलकुलेट होके आ जाते हैं। फर्स्ट हाफ हो गया है और ये प्रथम 9 अंक बेड़ी के हैं और 12 अंक कारपोरेशन जनवाड़ा के। सुनील पंडराम जाना वाना जनवाड़ा का नाम, बहुत बढ़िया खिलाड़ी, बहुत भाई जिला स्तर में इतने अच्छे मैच हो रहे हैं तो कल से अखिल भारतीय में क्या होगा? बहुत आनंद आएगा पटवा जी, निश्चित रूप से मैं तो अतिथियों से भी और सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि कोई भी मैच कल से न छोड़े। सुपर टेकल लागू, सुपर टेकल साथी पुणे बॉम्बे नागपुर समस्त टीमें हमारे कब्जे में यहाँ पर अपना कवच में आ गई है। यस पकड़ के रख लिए हैं। कल से धमाका जन जागरण मंच के तत्वाधान पर शानदार अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता कुछ ही आज समय 15-11 निरंतर बढ़त बनाए हुए थर्ड रैंक छिंदवाड़ा कॉर्पोरेशन थर्ड रैंक। बहुत अच्छा मैच चलता हुआ, दिन भर के क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल मैच हुए, वास्तव में सब कोई किसी से कम नहीं थे और हमारे जिले में भी अच्छी कबड्डी को लेकर प्रतिभा है और इस समय निखर कर सामने आ रही है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और कल हमारे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का पूरा आनंद लेने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ। अखिल भारतीय ओपन कबड्डी प्रतियोगिता अब पूरे शबाब पर है, राष्ट्रीय स्तर की टीमें मैदान में हैं और सभी की नजर खिताबी भिड़ंत की ओर है। हमारे मंच के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमान राजू जी नरोटे से भी निवेदन है, श्रीमान विजय जी गुप्ता मंच के, कमलाकर जी पोपली आप भी एसपी साहब का स्वागत करेंगे, दर्शन जी मिगलानी जिनार्दव के हमारे कार्यकर्ता है उनसे भी निवेदन करूंगा कि माननीय एसपी साहब का आप स्वागत करें, टीमों को लाइनअप करा लें। बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, ये निश्चय ही जो यहाँ के अपने खेल प्रेमी जनता है और खिलाड़ी लोग हैं उनको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, नई ट्रिक वो सीखेंगे और भविष्य में और अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभर के आएंगे। जैसा कि मुझे बताया पुपली जी ने कि दो टीमें छिंदवाड़ा की भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी के लिए है, लेकिन भविष्य में और टीमें पार्टिसिपेट करें और छिंदवाड़ा की टीम जो है उसको इस एक्सपोजर से नई चीजें सीख कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करें, ऐसी मेरी कामना है। ढेर सारी शुभकामनाएं सभी पार्टिसिपेंट्स को।
भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा गंगा जन गण मन गायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है टीम से यहाँ उपस्थित हो गई थी। जिद्दत तुमने मनोबल बनाएगा किसी के साथ। ये अखिल भारतीय टूर्नामेंट का ये पहला मैच डीजी मुंबई महाराष्ट्र विरुद्ध किरोली सोनीपत हरियाणा। तालियां बजाना चाहिए भाई, आपकी तालियां मनोबल बनाएगा खिलाड़ियों का। हमारी मेहमान टीम है सब। इसको पकड़ के लाता और छोरों का ले लो। बहुत बढ़िया, पकड़ के बताओ राज बाबा साहब। बहुत कैपिटल लेटर में अपने एंट्री फॉर्म जमा करिएगा। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो शुद्ध हिंदी में साफ साफ लिखिए, और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर के अंदर अपने नाम लिख के प्ले लिस्ट कृपया यहाँ जमा करते थे, और उनके ही दिशा निर्देश पर ये पूरे मैच खेले जाएंगे। दोनों ही टीमें बहुत बेहतरीन, डीजी मुंबई। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं इंदिरा प्रदर्शनी क्रिकेट स्टेडियम, जहां जारी है इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट स्पर्धा के रोचक मैच। आइए देखते हैं मैच की झलकियां। एक और रन आता हुआ और लगातार जिस तरीके से उम्मीद की जा रही 15 ओवर अपनी गति पर। अपना गियर चेंज करते हैं कि नहीं, और अब तक के स्कोर हो चुका है 94, लॉस ऑफ 6 विकेट। कप्तान को परेशान करते हुए ये गेंदबाज, बेहतरीन शॉट, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर। अब पूरे की दिशा में देख रहा है गेंद सीधे। शॉट राजा फील्डर के तौर पर वहां मौजूद, मात्र एक ही रन। अच्छी गेंद सबसे बाहर, शॉट निश्चित तौर पर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। अनमने ढंग से खेला हुआ चार्ट निश्चित तौर पर, और देखना होगा बेहतरीन। और अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। जिला स्तरीय टैलेंट हंट प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को मिले लैपटॉप और एंड्रॉइड फोन। जिले के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने किया पुरस्कृत।
बड़ी संख्या में युवाओं ने ज्वाइन की कांग्रेस। चार दिवसीय छिंदवाड़ा प्रवास के बाद सांसद कमलनाथ दिल्ली रवाना। गौ सेवकों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी। बीएमएस सहित अन्य संगठनों ने भी किया समर्थन। और दशहरा मैदान में अखिल भारतीय ओपन कबड्डी प्रतियोगिता रोचक दौर में। स्वामी विवेकानंद जयंती पर राष्ट्रीय स्तर की टीमों में शुरू हुई भिड़ंत। इस बुलेटिन में खबरों का सफर नामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।